हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस एस ऑटो कार। ये देख लीजिए, आज आइए हमारे पास अल्टो जो है वो लेटेस्ट है, न्यू मॉडल जो अल्टो है वो है। तो ये देख लीजिए, इसमें जो दिक्कत है अभी गाड़ी तो खुली पड़ी भी नहीं है कहीं से भी, ये तो ये देख लीजिए इसके टैपिट आवाज़ कर रहा है, क्यों कर रहे हैं, और गाड़ी दब भी रही है। और गाड़ी हम स्टार्ट करके दिखा देते हैं आवाज़ कैसी है इंजन की। ये देख लीजिए, करो स्टार्ट, तो ये देख लीजिए आवाज़ कैसी है इंजन की, कट कट कर उस टाइप की आवाज़ है। मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो टैपिट मिलाने का तरीका बताने वाला हूँ, और वीडियो में बने रहिए। ये देख लीजिए अल्टो 800 हो, इको हो, वैगनार हो, सेंट्रो, कोई भी गाड़ी हो, अगर आप जैसे मैं तरीका बताऊँगा आप ऐसे टैपिट मिलाओगे तो बिल्कुल साइलेंट ही टैपिट बैठेंगे। ये देख लीजिए आप आवाज़ गाड़ी कैसी है। तो ये देख लीजिए, इसकी जो फिटिंग है वो खुलना स्टार्ट हो चुकी है। तो फिटिंग खोलेंगे, ये जो फिटिंग वगैरह है, कोयल वगैरह की जो फिटिंग है जो भी है वो खोलनी पड़ेगी, और इसका टैपिट कवर खुलेगा। जो अल्टो 800 जो इससे नीचे जो मॉडल है उसमें भाई फिटिंग ज़्यादा खोलनी पड़ती है, इसमें ये जो न्यू मॉडल है इसमें थोड़ी कम खोलनी पड़ती है। थोड़ा हार्ड होता है लगा हुआ इसमें अंदर। निकाल निकाल, झटका मार, निकाल झटका, ऐसे खेत से बस। ये इसके इग्निशन कोयल है, एयर फिल्टर वगैरह खुल गया है, और ये इसके इग्निशन कोयल है। ये इग्निशन कोयल होते हैं, इनको आता खोलना पड़ता है। वैसे तो खोले भी ना फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर खोलना पड़ता है, हो सकता है कोई चिपका हुआ हो। इग्निशन में पानी भरा हुआ है, तो ये देख लीजिए गाइस, पानी भी इसके अंदर भरा हुआ था शायद। मैं दिखाने वाला हूँ, तो देखिए ये जो जंग वगैरह जो आता है ये पानी की पहचान होती है। ये देख लीजिए, ये पानी भरा हुआ है, इसमें भी है, इसमें तो थोड़ा कम है, इन दोनों में ज़्यादा है। तो ये पानी के इंजन पे पानी लगवाते हैं ना, तो तब पानी आ जाता है। तो ये देख लीजिए टैपिट कवर जो है, और मैं आपको दिखा देता हूँ इस टाइप के इसके टैपिट हैं। चौथे गियर में गाड़ी डाल दो, टायर घुमा, देख कोई कटी हुई तो नहीं है, कैसा इसका पोजीशन, क्या क्या नहीं है, कटी हुई तो कोई भी नहीं है। चल घुमा टायर, घुमा आगे, घुमा टायर, घुमा, अरे इससे ना घूमने का तू घुमा, चल 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 चल,
चल चल और चल और चल चल और चल चल और चल हल्का सा चल अब चल 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 और घुमा और चल अभी ना ना ये ध्यान नहीं है और चल चल हल्का सा बस और चल और चल और चल 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 भाई बी पीछों को तो दर्द बच गया बस ठीक है। तो ये देख लीजिए गाइस, जो पहला नंबर का जो कैपिट है वो हम इस तरीके से मिलाएंगे। ये जो नक्के हैं ये देखिए, केम की जो ठोकर है वो यहाँ होनी चाहिए, ठीक है, और ये वाले जो हैं वो यहाँ होने चाहिए। तो जो लूज है वो मैं बताने वाला हूँ कौन सा लूज है कौन सा टाइट है। ये देख लीजिए, ये लूज ये है, ये वाला, एक मिनट रुक जा, सब चेक करते पहले, आगे कर भी और चल चल। ये हो गए हमारे चार हो गए, चेक हो गए, अब जो है हमें ये दो करने हैं। चलो तो ये देख लीजिए, ये ठोकर हमें यहाँ लेनी है, बस बस पीछा कर थोड़ा हल्का, बस 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 बहुत है, ये भी सही, ये टाइट है थोड़ा, और ये लूज है इसके नीचे वाले, ये तो बिल्कुल ही टाइट पड़ा है, ये है, ये वाला लूज है, ये मिलाने पड़ेंगे, और चल ये टाइट है। अब जो है हमें ये दो हो गए, ये हो गए दोनों, अब ये वाले मिलाने हैं। तो ये देख लीजिए, बस ये वाला लूज है बहुत ज़्यादा, ये भी लूज है, इसके बोल चेक करिए, वाले लूज तो ना है, छह के लंग के लिए, छह के लंग की था इसका हेड का काम है, है? काम करा किसी ने, मतलब आठ नौ महीने मेरा जब से ऐसे है यार। तो ये देख लीजिए, जो हमें टैपेट लूज मिले हैं वो ये हमें ये वाले मिले हैं, देख लीजिए, चल शुरू से सभी को ही मिला देते हैं, पकड़ पहले चेक कर, बोल्ट को चेक कर, इनको चेक कर ले, कुछ वैसे चल से। चलो और चलो और चलो और चलो चलो और चलो। तो हमें जो मिलाने हैं ये दोनों मिलाने हैं, देख लीजिए थोड़ा ऊपर, ये देख लीजिए हमें जो मिलान करना है इनका, ये देखिए ये जो केम है वो यहाँ रखनी है, ये देख लीजिए ये केम जो है यहाँ रखनी है, ये देख लीजिए इस टाइप से केम जो है वो यहाँ रखनी है, ये देख लीजिए यहाँ आ गए। तो ये एक दो और तीन और चार जो टैपिट हैं ये मिलानी है हमें, ये देख लीजिए आवाज़ आ रही है इसकी, आग ऊपर कैमरे को और नीचे, ये देख लीजिए ये जो आवाज़ आ रही है इसकी टैपिट की है, ये तो इसको ही मिलाएंगे सबसे पहले, और ना ही हम बिना ना ही हम किसी गैस से मिलाएंगे ना किसी चीज़ से मिलाएंगे, बस अपने आइडिया से मिलाएंगे, और ये परफेक्ट काम बैठता है। सबसे पहले जो होता है हमें टैपेट मिलाने से क्या होता है, देखिए इधर गूगल टैपेट मिलाना जो होता है हमें, ये वाला टैपेट मिलाना है तो हमें क्या करना होगा, अगर ये लूज है तो हमें क्या करना है, ये देख लीजिए हमें ये पेचकस लगाना और ये नट को इस टाइप से लूज कर लेना है, और इसको इस टाइप से ऐसे करके देखना है, जहाँ हल्का सा टाइट हो वहाँ पर टाइट होने के बाद इसको इतनी चूड़ी इतनी ऐसे करनी है बस, और इसको बोल्ट को टाइट कर देना है बस, और फिर इसको हमें चेक करना है एक बार, ये देख लीजिए
बस ये है कि हल्की सी प्ले होनी चाहिए, इतनी भी कम ना होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा होगी तो आवाज़ करेगा और कम हो, और अगर बिल्कुल थोड़ी बहुत कम भी होगी, अगर थोड़ा बहुत टाइट भी हो गया तो उससे भाई आपकी गाड़ी दबने लगेगी और आरपीएम में दिक्कत देने लगेगी। तो इसलिए ना ज़्यादा प्ले हो ना ज़्यादा कम हो। तो ये देख लीजिए, आप सोच रहे हो गैस से तो मिला ही नहीं, मैंने आज तक गैस से मिला ही नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ। ये देख लीजिए, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये देख लीजिए बिल्कुल सेट हो गया। अब हम इसको इसको मिलाएंगे घर वाले को। ये देख लीजिए कितना लूज है, आ रही है आवाज़, ये देख लीजिए कितना लूज है। इधर दिखा, इधर यहाँ दिखा दे, ये देख ये कितना लूज है। अब इसको हम मिलाएंगे, मिलाएंगे कैसे देख लीजिए, मैंने बोल्ट लूज कर लिया है और इसको हम बोल्ट को इतना कर लेंगे, उसके बाद हमें करना है ऐसे घुमाना है। ये देख लीजिए ऐसा, इस टाइप से ऐसा करना है, और जहाँ टाइट हो जाए वहाँ थोड़ी सी चूड़ी यहाँ पर कर देनी है और फिर इसको टाइट कर देना है, फिर इसको मिला के देखना है। अभी थोड़ा सा और टाइट करना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए, टाइट हो गया इस तरह से। ये तो ये बिल्कुल सही हो चुका है, ये दो मिल चुके हैं। अब जो है हमें ये छोटे वाले मिलाने हैं। ये छोटे वाले जो होते हैं इनका बहुत बड़ा रीज़न है भाई, ये अगर ये जाम हो जाए तो भाई गाड़ी मिसिंग ख़त्म नहीं होती गाड़ी के अंदर से। ये तो बहुत लूज पड़े हैं। तो हमें जो चेक करने हैं वो ये कैसे चेक करने हैं, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, देख रहे हैं हिलते हुए। बस इनमें प्ले होनी चाहिए, इनमें भी प्ले होनी चाहिए, इनको भी ऐसे मिला देते हैं। तो मैंने लूज करा था एक बार, बस इतना हिलना चाहिए, और वैसे तो फिंगर से हिलाएंगे तो दिखेगा मगर मोबाइल में नहीं दिखेगा। तो देख लीजिए हिल रहा है, हिल रहा, तो ये सेट हो गया है। तो मैं इसको टिकी मदद से टाइट कर दूंगा, देख लीजिए। टाइट करने के बाद भाई कोई भी टैपिट हो उसको चेक जरूर करेंगे भाई। ये अगर ये ऐसे इधर उधर भी हिलेगा ना तो ये समझ लीजिए ये टैपिट सेट है अपना। बस इसमें हल्की सी प्ले होनी चाहिए इतनी। अब ये वाला ये देख लीजिए कितनी प्ले है इसके अंदर, ये टाइट है। तो बस इसमें प्ले होनी चाहिए थोड़ी सी, और इसको यहीं पे ऐसे लोग बाग इनको बहुत ही कम मिलाते हैं, इसको छेड़ता नहीं है कोई इन टैकेटों को। तो देख लीजिए ये भी हिल रहा है इस टाइप से, देख लीजिए ये भी हिल रहा है, चल भी टायर घुमा, टायर घुमा भाई। ये देख लीजिए ये सेट हो गया, ये भी टाइट हो गया, ये भी हो गया, तो देखो बंद कर दीजिए। तो देख लीजिए ये टाइट हो गया है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आगे की तरफ मिलाते हैं। तो ये देख लीजिए, अब जो हमने एक दो तीन चार एक पिस्टन के हमने मिला दिए हैं। अब जो हमने जो ये देख लीजिए ये पोजीशन है, यहाँ कर लिया दूसरे नंबर का जो पिस्टन है, दूसरे नंबर का जो टैपिट है वो हमने यहाँ कर लिया। देख लीजिए ये हम मिलाएंगे इनको, इसको भी मिलाएंगे, ये चारों मिलाएंगे, चेक करेंगे भाई जो सही हो उसको रहने दें और जो लूज हो टाइट हो उसको मिला दे भाई। तो अब जो है हम इस वाले पिस्टन के मिलाएंगे दो नंबर का, कोई दिक्कत नहीं है, दिखा दो समझ जाएगा, जो टैपिट मिलाना सीखेगा वो समझ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं है। तो
तो ये देख लीजिए, अब ये मिल चुका है, इसको एक बार हम चेक करेंगे। ये देख लीजिए, बस प्ले होनी चाहिए, थोड़ी हो क्या है, कम हो, प्ले होनी चाहिए। तो ये देख लीजिए, ये वाला जो है ये मिला दिया हमने, ये ठीक था, ये हल्का सा ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी मिला दिया है, चल टाइट है हमने दोनों। अब इनको टाइट कर देते हैं, प्रोसेस वही है सबका, बस मिलाने का। अब ये वाले रह गए, ये ज़्यादा लो, चल तो ये देख लीजिए, ये हो गए दो, ये हो गए दो, और ये हो गए, चलो और चलो थोड़ी, बस बस ठीक है, ओके। ये देख लीजिए, ये लूज है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, जो लूज है वो ये दोनों हैं, इनको मिला भाई थोड़ी, इनको ठीक है, हो रही है, खोल पेच कर दे। टाइट कर दिया जाते हैं, इसे लूज कर देगा, एक मिनट एक मिनट, इसे लूज कर, चल मिला, चल मिला मिला, कोई बात नहीं, इसे ऐसा कर दे, तो पेच कर से इस टाइप से ऐसा करा, ये ऐसा करा, ये यहाँ जाम हो गया, देख हाथ रख अपना, बस बस जाम हो गया हल्का सा ही, बस हल्का सा ही जाम हो गया, बस इतना छोड़ दिया, बस हल्का सा, बस यहाँ टाइट कर दिया अपना, बस चेक कर हाथ से मिला, नहीं छोड़िए, हाँ चेक कर हाथ से मिला दे, बस अब कर, सही है, बस ठीक है, टाइट कर, दिखा एक मिनट चेक करो, दूध है ज़्यादा यार अभी, हल्का सा और टाइट कर दे बस, यहीं बस ज़्यादा मत कर, हल्का सा इतना सा, बस हल्का सा कर दे, करें सही है, चल मिला मिला तुम। तो ये देख लीजिए, ये जो है हमारा, ये तो हो गया है, टैपिट हो गया। अब मैं आपको जो प्रॉपर बताने वाला हूँ वो इसमें बताने वाला हूँ, देख लीजिए, जो ठोकर है वो ये है, और ये देख लीजिए, ये भी इधर ही है ठोकर, ये ठोकर जहाँ मिलानी होगी, ये वाले टैपिट होगी, ठोकर यहाँ नीचे आएगी, और देख लीजिए ये सामने है, तो ये भी इधर होगी, एक एक सिलेंडर की होगी, तो देख ले, ये वाले भी मिल जाएंगे, ये वाले भी मिल जाएंगे। तो हमें जो करना है, अभी हमने ये देख लीजिए, मैं खोल रहा हूँ, ये देख लीजिए मैंने खोल दिया है, इसको मिला कर प्रॉपर बताने वाला हूँ आपको, ये देख लीजिए आपको करना क्या है, ये देख लीजिए, इस बोल्ट को लूज करना है, लूज करने के बाद, और इस टाइप से जैसे बाइक का मिलाते हैं या किसी कोई भी, ये देख लीजिए, इस टाइप से ऐसा करना है पेचकस को, ऐसा करना है, ये देख ली, यहाँ जाम सा हो रहा है, हल्के हाथ से करना है पेचकस को, तो फिर जो है हमें इतना लूज छोड़ देना है, बस थोड़ा सा ही करना है, और इसको टाइट कर देना है, फिर चेक करना है, तो ये देख लीजिए बिल्कुल सेट हो चुका है, तो हमें यहाँ पेचकस लगाना है, ये देख लीजिए इस टाइप से लगाना है, और यहीं पर जाम करना है जहाँ हमें रखना है, तो ये नहीं टाइट कर देना है। अगर टीसा करेंगे तो टीसा ऐसा होता है, कभी कभी टाइट भी हो जाता है या लूज भी रह जाता है, तो देख लीजिए थोड़ा सा भी है लूज है, लूजपन है भी, एक बार और करता हूँ इसको, ये देख लीजिए ये चल रहा है, तो यही परेशान कर रहा है, यही आवाज़ कर रहा है ज़्यादा, थोड़ी सी और है, और हल्का सा एक पॉइंट और बढ़ा दूँ इसका, ये बिल्कुल सेट हो गया, तो गाइस ये देख लीजिए, जो टैपिट मिलाने का जो तरीका है वो ये है, प्रोसेस ये ही है, ये देख लीजिए, पहले ये एक नंबर मिलाने हैं, ये एक नंबर पे ये हो जाएंगे, और ये दो हो जाएंगे, ठीक है, ये वाले हो जाएंगे, ये हो जाएंगे,
फिर जो है ना दूसरे सिलेंडर के मिलाने हैं तो ये हो जाएंगे, और फिर ये हो जाएंगे, और फिर तीसरे के मिलाने हैं हमें तो ये हो जाएंगे और ये हो जाएंगे। तो हमें जो कैम की जो पोजीशन रखनी है, वो कैम की जो पोजीशन है वो ये देख लीजिए, यहाँ पे या तो ये आ जाए ये वाली कैम ठोकर, यहाँ कोई से भी टैपिंग मिलाना हो आपको तो ठोकर जो है कि जो रोकर होता है उसके ठोकर पर नहीं आनी चाहिए, उसके मुँह पर नहीं आनी चाहिए। कोई भी गाड़ी का टैपिट हो, कैसी भी गाड़ी हो, महिंद्रा की हो, कोई भी गाड़ी हो, अगर आप ऐसे मिलाओगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये देख लीजिए, ये ठोकर इधर है तो इसकी पेट नीचे है, और इसकी ठोकर देख लीजिए इधर है तो ये इधर है, बस सामने नहीं होनी चाहिए, ठोकर पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ठोकर पर जाएगा तो टाइट हो जाएगा, मिलेगा नहीं। तो देख लीजिए, एक तरीका ये है टैपिट मिलाने का, कोई भी गाड़ी हो, अगर ये वाले टैपिट हैं या चिड़िए हैं या फिर कुछ भी है उसके अंदर, जैसे कैंपर है, बुलेरो है, सेंट्रो है, वैगनार है, अल्टो, वैगनार, सेंट्रो है, तो देख लीजिए इनके जो टैपिट मिलाने का तरीका वो है। ईको का भी सेम यही है, और आप टैपिट मिलाना चाहते हो तो इस तरीके से मिलाए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भाई लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे भाई। तो ये देख लीजिए गाइस, जो हमने टैपिट मिलाए हैं गाड़ी के, तो देख लीजिए आवाज़ वो जो है वो कैसी हो गई है, देख लीजिए गाड़ी की बिल्कुल साइलेंट आवाज़ है, बहुत फर्क पड़ गया है बिल्कुल। तो ये देख लीजिए, तो ये जो हमारे बंदे साथ में खड़े हो, बताइए कैसी आवाज़ हो गई है? आवाज़ बढ़िया हो गई, बढ़िया हो गई ना। तो ये देख लीजिए आवाज़ अच्छी हो गई गाड़ी की। तो आप इस तरीके से अगर टैपिट मिलाओगे तो ये देख लीजिए बढ़िया सेट हो जाएगी गाड़ी, एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कैसी भी। तो ये देख लीजिए, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और चैनल को भी भाई सब्सक्राइब कर दे।